हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगी इंस्पेक्शन, प्रिवेंटेटिव और मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, प्रिवेंटेटिव्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले तो जो रेगुलर होने वाले इंस्पेक्शन जो है इंडस्ट्री में उनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलर वर्क में जो भी आप चीज़ें ला रहे हैं, ठीक है, वर्क जो आप कर रहे हैं, जिन भी मशीनरी से वर्क कर रहे हैं, तो उनका इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यह बात आपको भी पता है, इंस्पेक्शन होना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम चेक कर सकें कि जो भी मशीनरी हमें वर्क में लेनी है, क्योंकि हैवी मशीन्स भी होती हैं, इक्विपमेंट्स भी होते हैं, एक्सटिंग्यूशर फायर से रिलेटेड होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स रहती हैं, तो क्या होता है, इनका इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें एट अ टाइम किसी काम की ज़रूरत पड़े तो क्या हो, हम इनको यूज़ में लें तो ये वर्किंग कंडीशन में हो एटलीस्ट, तो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में अभी हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन किया जाता है, हर एक चीज़ को चेक किया जाता है, किसी चीज़ में कोई कमी आती है तो उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस पर वर्क किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेफ्टी का वर्क यही है कि हम जो भी हमारे सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं या जो भी हमारे वर्किंग इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं, अगर नहीं है तो हमें पता होना चाहिए इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है और कितने से कितने समय तक हम इन्हें ठीक करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, इंस्पेक्शन की। ठीक है, अब इसमें ये जो बता रहा है, इसमें बता रहा है बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या 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 है, इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट एंड सिस्टम रिएबिलिटी। ठीक है, क्या होगा, अब आप रेगुलर अगर इंस्पेक्शन करोगे तो आप चेक तो करोगे क्या कमी आ रही है, फिर आप उसकी ऑयलिंग करोगे, मेंटेनेंस करोगे, इससे क्या होगा, आपका जो आप ही का जो इक्विपमेंट है वो अच्छा होगा, आप उसकी वैल्यू, उसकी उम्र और बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर वो ऐसे पड़ा रहेगा तो क्या होगा, ख़राब ही हो जाना है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन जो आपके काम में आने वाला है वो कभी नहीं होगा। ठीक है, उसके जो एक्सपेंसिव पार्ट है वो आपको बार बार रिप्लेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, आपकी जो रीसेल वैल्यू है, मतलब अगर आप मान लीजिए उसी इक्विपमेंट को आपको दोबारा से यूज़ में लेना है या किसी को बेचना है, तो उसकी वैल्यू भी नहीं गिरेगा। ठीक है, और बेटर पार्ट्स जो हैं उसके बिल्कुल मैनेज रहेंगे, पार्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, वर्किंग कंडीशन उनकी अच्छी रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बाकी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं, अगर आप रेगुलर इंस्पेक्ट करते हैं या प्रिटेंटिव्स करते हैं तो मेंटेनेंस करते हैं, तो इस तरीके के बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आप ही के काम के आएंगे, क्योंकि जो भी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनमें होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कि आप कैसे किसी इक्विपमेंट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको, मान लीजिए कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया, तो उसका पहले का पिछला रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो कब ख़राब हुआ था और किस रीज़न से हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट हिस्ट्री होगी तो आप पता लगा पाएंगे। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या थी पहले वाली, जब वो ख़राब हुआ था उस समय पर, वो भी आपको पता लग पाएगा। ठीक है, आपके पास जो भी अभी इस समय पर जिस वजह से वो ख़राब हुई है, वो सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आप किसी भी हैवी इक्विपमेंट की लाइफ सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन करने से ही बेनिफिट आप ले सकते हैं, आपको पहले इसके लिए इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके यहाँ का प्रोग्राम है इंस्पेक्शन करने का, उन सबको आपको पहले चेकआउट करना पड़ेगा, उसी के बाद आप ये सारे प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक रेगुलर हैवी इक्विपमेंट मेंटेनेंस रहता है, जिसका प्रोसीजर बना रहता है, उस प्रोसीजर को आप मशीनरी ऑपरेट करके उसका परफॉर्मेंस देख के आप उसे चेक करेंगे रेगुलर बेसिस पर रहता है, जो कि क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स रहते हैं, जो हैवी इक्विपमेंट्स रहते हैं, उनको क्या है, इंस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इंडस्ट्री में कोई भी हैवी इक्विपमेंट है, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट ही है, तो उसको इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ठीक पोजीशन पे काम नहीं कर रही है तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान होगा, प्लस आपके वर्किंग एटमॉस्फेयर को नुकसान होगा और प्लस एम्प्लॉयज़ को भी होगा। तो इसका एक रेगुलर हैवी इक्विपमेंट इंस्पेक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है, जो जिसको कि आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं
तो इससे आपको 4-5 बेनिफिट आराम से मिलेंगे। सबसे पहले सेफ्टी मेंटेन रहेगी, वर्क में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आएगा, ठीक है, आपका वर्क प्लेस सेफ रहेगा, एक्सीडेंट लेवल कम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के इंस्पेक्शंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पूरी ऑल ओवर इंडस्ट्री में, ठीक है। और बाकी की जो चीज़ें हैं, देखिए इंस्पेक्शन करने से ही सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये छोटी सी चीज़ रहती है, अगर आप ये अगर करते हैं अपनी इंडस्ट्री में रोज़, तो आपका वर्क प्लेस कहीं ना कहीं बहुत ही सेफ है, ठीक है। तो आज मैंने आपको इसके ऊपर यही बताया कि इंस्पेक्शन से आपको क्या बेनिफिट है, प्रिवेंटेटिव से क्या बेनिफिट है, और मेंटेनेंस से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यही शो करेंगी कि कैसे आप अपने वर्क प्लेस को सेफ रखें, और इम्पॉर्टेंस क्या क्या है ये सब तो आप देख ही चुके कि अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, अब काम में आने वाले बैरियर्स कभी नहीं आएंगे। जब काम नहीं रुकेगा तो आपका तो प्रॉफिट अच्छा खासा रहेगा ना। अभी काम बंद पड़ जाए तो लाखों का नुकसान वैसे ही होना है। तो अगर आप इंस्पेक्शन रोज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बताया। सो थैंक यू।